अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। मैं आप दोस्तों के साथ एक न्यू ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप क्लोन बना सकते हो मोबाइल के, यानी कि एक मोबाइल में इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हो, और लॉगिन आप चाहते हैं कि लॉगिन हमारे मोबाइल में इस तरह से पड़े रहें। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर लगा लेना है। मैं इस तरह की और टेक निकल वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है। आज की मैं इस वीडियो में आपको बना के दिखाता हूं कि आपने कैसे बनाना है और मैंने ये कैसे किए हुए हैं। आपको सबसे पहले तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले वाली एप्लीकेशन है ऐप क्लोनर। ऐप क्लोनर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, पेड वर्जन, ठीक है। आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है और इसका तरीका जान लेने के बाद, दूसरी बात यह है कि जेज कैश का ये वर्जन आपको चाहिए होगा, 3.3.4 वाला वर्जन, ठीक है। और इसमें आपने कर लेने हैं क्लोन। मैंने यहाँ पर 100 क्लोन बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 99 बनाए हुए थे पहले, इस पर 100 लिख लेता हूँ। अगर आपने पहला बनाना है तो यहाँ पे एक लिखना है। मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 100 लिखने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप जैज कैश यहाँ पे लिखा हुआ होगा। आपने जैज कैश अगर पहला बना रहे हो तो इसके आगे एक लिख देना है। मैंने 100 लिखे हुए हैं, मैंने 100 लिख देता हूँ इसके आगे, क्योंकि पता चलता रहे कि इसमें कितने ऑप्शन हैं, कौन सा नहीं कौन है, यानी कि एक ऐसे अगर आपने नेम नहीं चेंज किया तो आपको मसला हो जाएगा। यहाँ पे इसको आपने ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो प्रोवेंसी ऑप्शन में चले एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोवेंसी ऑप्शन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और आगे फिर से ऑप्शन आएंगे, आपने उसको ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज आईडी इस तरह की होगी, इस तरह आपके पास ऑफ होगा। मेरे पास ऑन थी, मैंने ऑफ़ की हैं आप दोस्तों की खातिर। अब यहाँ पे आपने इसको ऑन करना है, चेंज एंड्रॉइड आईडी एंड जनरेट न्यू रैंडम आईडी ड्यूरिंग ईच क्लोनिंग, इन दोनों को आपने ओपन टिक लगा देना है। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है रैंडम, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक और चीज़ रैंडम। मैंने इसको पहले ऑफ़ किया, फिर आप दोस्तों की खातिर रैंडम, इसमें रैंडम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपने दोनों को यहीं पे लाकर टैग कर देना है और इसको कर देना है ओके। इसके बाद हाइड सेम ऑपरेटर आता है, आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है, इसको ऑन रखना है। और हाइड वाईफाई मैक एड्रेस, इसको भी आपने ऑन कर देना है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इस तरह से ऑफ होगा और इसको ऑन कर लेना है। और इसके आगे आपने इस चीज़ को सबसे पहले ऊपर वाले पर टिक लगा लेना है और इसको कर देना है। इस तरह से होगा आपके पास, ठीक है, ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, फिर ना कहना कि भाई हमें समझ नहीं आया ये आप कैसे करते हो, तो आपको मैं नहीं बताऊँगा, फिर आपने यही से सही से देख लेना है गौर से। आपने यहाँ बस ये ठीक हो गया, ओके हो गया। यहाँ पर आपने बैक कर लेना है, मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर से ड्रैग करना है नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, शायद शो नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग की वजह से, क्लोनिंग ऑप्शन लिखा हुआ होगा, इसको ओपन कर लेना है आप दोस्तों ने। फिर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, और इग्नोर क्रैशेज का ऑप्शन होगा, ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है, ये इस तरह से ऑफ होगा आपके पास। यहाँ पे आपने इसको ओके करना है, जब ओके करोगे दो टिक मार होंगी, उस पर टिक कर लेना है, और स्किप नेटिव लाइब्रेरीज को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ आने वाली शायद। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो गई, अब बैक कर लेना है, मैं बैक कर लेता हूँ। अब हमारा काम मुकम्मल हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप मुकम्मल हुआ है। अब आपने इस टिक पर क्लिक करना है और आपका जो है ना एक न्यू एप्लीकेशन तैयार होगी, ठीक है। उसमें कोई ऑप्शन, कोई यानी कि कुछ नहीं रह रहेगा। यहाँ पे अगर रेड हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, रेड होने दें, कोई मसला नहीं है, ये बन जाएगा। यहाँ पर 100 तक चलेंगी, 1, 2, 3, ठीक है। 100 तक चलने के बाद इस तरह से ऑप्शन ऐप क्लोन्ड इन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने वीडियो को आगे पीछे एंड तक नहीं देखा तो आपके पास यूज़ 1 मोबाइल 2 अकाउंट ओनली 2 मंथ 1 मंथ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर उसके आगे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप, मुझे पता है आप छोड़कर जा रहे होगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है वीडियो को बिल्कुल भी, आपने आगे पीछे नहीं करनी, थोड़ी सी आगे भी स्टेप हैं आपने वो मिस कर दी तो फिर आपको मसला हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने करना ये है कि इसको ओपन कर लेना है, पहले सबसे पहले इसको स्किप कर देना है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास वो बन के आ चुका है, ठीक है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है, कैसे इसको यूज़ करना है। आपने सबसे पहले उसको ओपन कर लेना होगा। एक तो 3.3.4 वाली वर्जन चाहिए आपको, एक ऐप क्लोनर चाहिए, एक और एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी जिसका नाम है OTP SMS। अगर आपके पास है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन से ना हो रहा हो तो ठीक है, आपने उसको क्रोम में OTP SMS लिख लेना है, क्रोम में, गूगल प्ले स्टोर से नहीं लिखना, उसमें लिख लेना है और वहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको पर नंबर मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ये इस तरह से वर्क करेगी। मेरे पास इस तरह से पहले आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, OTP फैच नहीं होगा। जब फैच होने के लिए हम जाते हैं तो OTP SMS को ऑन कर लेते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। ये देखें OTP आ गया और फैच नहीं हुआ। अब परेशान हो रहे होंगे, इतना हमने वीडियो देखा, इतना काम किया, अब फैच नहीं हो रहा। OTP SMS इस एप्लीकेशन को आपने सबसे पहले जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। अगर डिस्क्रिप्शन से ना भी मिले तो आप क्रोम में लिख लेंगे, इस तरह का इसका इंटरफेस होगा और आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, या OTP SMS लिखेंगे तो उस पर आ जाएगा यही एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं दोबारा से रिसेंड करता हूँ जल्दी से, और रिसेंड करने के बाद आप दोस्तों से शेयर कर देता हूं कि ये OTP, जब OTP इस तरह से आ जाए इस पर क्लिक कर देना है, OTP वाले SMS पर। जब क्लिक करोगे तो OTP कॉपी हो जाएगा और यहां पे आपने प्रेस करके रखना है उंगली को, ठीक है। प्रेस करके रखने के बाद यहां पे ये पेस्ट कर देना है, और जब पेस्ट कर लेंगे तो यहां पर इसका ये पूरा मेथड आगे चला जाएगा और ये लॉगिन हो जाएगा। टू अकाउंट वेरीफिकेशन का अपडेट भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मुझे बहुत सारे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे यार हमें पर्सनल एक वीडियो बना दो इस तरह से, मैंने इसलिए वीडियो को यानी कि कहीं से एडिट नहीं की, कहीं से इसको स्किप नहीं किया, इसलिए आप दोस्तों के साथ मैंने सोचा कि यार जैसे